चल ठीक है। अरे ए तो घर में जा जा। ये देखो भाई पहली चिड़ी जा रहा है, ये पहली चिड़ी जा रहा है ये। ठीक है ठीक है ठीक है रुचि, ठीक है बाय। ठीक है हाँ। ये देखो भाई, अरे ओए ओ हेलो रुचि, कहाँ कहाँ। चल अब इसको बाइक में बिठा के लाऊंगा भाई। चल फिर ये देख बाइक में बिठाते रुचि। ये देखो भाई ब्याह का ना एल सही से तुमको देखा ले लीनू ने। सो ही गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ सितला खेत की ओर। एक्चुअली थोड़ा बहुत काम है, आपको पता ही है, मम्मी भी वहीं पे है, मम्मी को भी लेके आना है। तो चलो अभी मिलते हैं आपको भाई मोटो ब्लॉक सेटअप पे। सुबह सुबह भाई बारिश लगी पड़ी थी, मैं मॉर्निंग में चले जाता एक्चुअली ना, मामा को भी दिखाना है, जैसे कि आपको पता है ना भाई तबीयत खराब हो रखी, तो उनको ना लेके धामस आना है, फिर हमें सितला खेत भी जाना, बहुत सारे काम है भाई। फिर से उसने बीट कर दिया यहाँ पे, अब मैं ना बाइक यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, उधर ही लगानी पड़ेगी मुझे। कभी भी अगर बाइक चलाते हो ना भाई, पहले ना एक कदम आगे ही चलो, ठीक है? तो चलते हैं भाई, कभी भी पीछे नहीं मोड़ने का ज़िंदगी में, कितनी भी बुरी स्थिति हो ना गाइस। यार हेलो, मैं ना जटाई कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, जटाई निकल जा रही है भाई, सड़क तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। और यहाँ पे तेद्दा क्या कर रहे हैं, तेद्दा वाह सफाई चल रही, सही 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 गाइस। यार अब सफाई भी करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि ना इस मौसम में ना सांप वगैरह कुछ ज़्यादा निकलते हैं भाई। ये हल्की गर्मी जो होती है ना, अजीब सी उमस टाइप की हो रही है, तो इसमें सांप ना कुछ ज़्यादा आते हैं, तो वो घरों के अंदर भी घुस जाते हैं, और जो झाड़ी हुई रहती है उनमें भाई छुपे रहते हैं बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से। एक्चुअली ना मामा लोग भी भाई अब दिल्ली को जा रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो शायद चले जाएंगे दिल्ली को, मामा और मामी। तो मामा की थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही है, उनको इंजेक्शन वगैरह लगाना पड़ रहा है, तो इस वजह से ना मैं ज़रा जल्दी जा रहा हूँ, वरना मैं शाम को जाता तो उनको वहाँ लेके आऊँगा, उठ में लेके आना है, वहाँ से इंजेक्शन लगा के फिर हमें चलना है सितला खेत। बाइक ना कुछ ज़्यादा लेट जा रही भाई, पूरा जो पाँव है ना मेरा वो टच हो जा रहा पूरा का पूरा भाई, तगड़े तरीके से। पर ये सड़क ना कुछ ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से थोड़ी डर लगती इसमें लेट आने में, वरना तो मज़ा ही आता भाई। पर आप लोग कभी ट्राई मत करना है इसको, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, ये ट्राई मत करना बिल्कुल अपनी लाइफ में, ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ पता है मेरे साथ, बहुत बार हो चुका है, मैं इतनी ज़्यादा मतलब इतनी बार बचा चुका हूँ भाई ना, ये जो छिपकली होती है ना, जिसको खा के जूली मरी थी हमारी, वो ना एकदम से भाई सड़क में आ जाते हैं बीचों बीच में भाई। मैंने इतनी बार बचा ली है ना, अभी भी थोड़ी देर पहले जहाँ से मैंने एक बंदे को ना लिफ्ट दी थी वहीं पर ही भाई छिपकली ना सीधे आ गई, मैंने इतना बचाया ना उसको भाई, बहुत ज़्यादा बचाया। शांति मिलती है यहाँ पर भाई, यहाँ से फुल न्यूट्रल है भाई, वो नीचे तक का गधेरे तक का जो संकरा पुल है अपना, वहाँ तक का यहाँ पे थोड़ी बहुत बचत हो जाती है तेल की का पानी, यार फिर भी कम नहीं हुआ भाई। एक्चुअली मुझे कोई मिल भी नहीं रहा, इसका तो कुछ सीन करना ही पड़ेगा यार, वरना पता है कल के डेट में ऐसा होगा ना भाई, ये नीचे चली जाएगा क्योंकि बैठ चुकी है भाई काफ़ी ज़्यादा। सो फाइनली गैस पे पहुँच चुका हूँ चाणपेंड, बाकी वाईफाई की लाइन नीचे को जा रही है यार, इधर को नहीं आ रही हमारे उधर को ना, इधर साइड को आ जाती ना मज़ा आ जाता भाई। मैंने बाइक बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती और झटके भी नहीं पड़ते बिल्कुल भी नहीं। बैठो
भाई आज के दिन में मैं दो लोगों को लिफ्ट दे दी, एक अंकल ये हो गए, ये वाले भैया हो गए, एक छोटू था वहाँ पे। तो मैं ना हमेशा लिफ्ट दे देता हूँ यार, क्योंकि ना भाई अभी सीन ये भी होता है ना कि भाई कभी मैं पता है कितनी बार मैं अल्मोड़ा में फंस चुका हूँ ना, कितने लोगों से मैंने लिफ्ट ली, लिफ्ट ही नहीं मिलती है। हमारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं ना भाई। तो गाइस फाइनली अपनी अपलोडिंग हो गई। ओ भाई हमारा वेट कर रहे हैं आज। एक्चुअली मैं अपलोडिंग करने लग गया था तो इस वजह से ना मामा पहले ही पहुँच गया आज, वरना मामा लेट में आते हैं, पता नहीं आज कैसे जल्दी जल्दी आ गए भाई। मामा को भी दिखाना है, फिर सितला खेत भी जाना है तो लेट हो ही जाएगी। आगे से बहुत सारी बकरियां जा रही भाई, बहुत ही बकरियां जा रही। ओ हो, रोक के बकरियां डरती नहीं है बिल्कुल भी नहीं भाई, देख रहे हो सड़क से हट ही नहीं रही है। ओहो यहाँ पे ना सड़क थोड़ी ख़राब हो रखी भाई है, उस दिन हमने सही करा था पर थोड़ा बहुत तो पानी इसका निकल गया, पर बारिश हो जा रही है ना। फिर ये देख रहे हो कितना खतरनाक गड्ढा है भाई। ओ भाई पूरी फिसल रही है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी है ना इकट्ठी हो रखी है तो फिसलन हो रखी है उसमें काफ़ी तगड़ी वाली। फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हो, यहाँ पे थोड़ा ब्रेकर आ जाता तब पड़ता है भाई, एकदम से ब्रेकर है ना। तो भाई मामा यहीं पर ही बैठे होंगे, देखता हूँ है कहाँ पे। तो भाई मामा को पिकअप कर लिया, अभी हम सीधे वहाँ जा रहे हैं खूंट, कब से इंतज़ार कर रहे थे। भाई तब से बकरियां ना यहीं पर ही हैं, ब्याह का ना एल सही से तुमको देखा ले ली उन्होंने। थोड़ी बहुत तो निकलो पर गाइस गाइस। ओ भाई बहुत तगड़ा सीन हो रहा है यहाँ पे, डॉक्टर साहब। तो गाइस अभी मैं ना बाइक में हवा डाल के आता हूँ, एक्चुअली मैं आते समय ना भूल गया था भाई। तो ये देखो यहाँ पे सिलेंडर की गाड़ी आ गई है भाई, हमारे यहाँ नहीं आई है, यहाँ पे तो पहुँच गई भाई, हमारे यहाँ तो आई नहीं थी भाई मॉर्निंग में। अब पता नहीं अभी आ गई होगी, तो अब पापा को ही लेके जाना पड़ेगा। हवा भर ली, अभी चलते हैं भाई, मामा को भी लेना है वहाँ से, एक्चुअली वो ले रहे हैं दवा। तो कैसे अभी हम निकल गए हैं भाई सितला खेत के लिए, थोड़ा सितला खेत से ना सामान लेके आना है और
भाई मौसम भी बिगड़ रहा है पर ठंडा ठंडा हो रहा लिटरली ना, ठंडा लग रहा। रब्बा क्या मस्त हवा आ रही है, बहुत ही तगड़ी हवा आ रही भाई, इस लेवल वाली वाइब आ रही भाई, तगड़ी वाइब आ रही भाई। आँखें भी ठंडी हो गई मेरी, आँखें लिटरली ना आँखें ठंडी हो गई है। सोच लो क्या ही नेक्स्ट लेवल वाली हवा चल रही होगी, मस्त लग रही है, मतलब ठंडा सा हो रहा भाई सीन। बारिश का मौसम बन रहा ना इसलिए, देखो भाई ऊपर कितने गजब गजब क्लाउड्स, बारिश भी पड़ने लग गई यार। ओ भाई तभी मैं कहूँ यार इतनी ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। ये देखो भाई लग रहा उधर को बारिश ही हो रखी है भाई, लिटरली बारिश पड़ने लग गई गाइस। भाई सामने देखो मस्त धूप आ रखी है, इधर बारिश हो रही भाई, यही तो है पहाड़ों का सीन। ऊपर देखो भाई कहीं निकल रहा है धुआं, धुआं सा क्यों निकल रहा छत से पता नहीं। तो कैसे अभी निकल रहे हैं, बाकी मौसम काफ़ी नेक्स्ट लेवल हो गया भाई लिटरली ना, बहुत ज़्यादा तगड़े हो गया। हाँ फिसलने का डर तो है ही। हाँ भाई पीछे पीछे मत आना भाई, भर्र करके हमको जो दबा के ले जाएगा यार। ये दुकान भी बंद है, बाकी मौसम काफ़ी नेक्स्ट लेवल हो गया। अच्छा यहाँ से तो हमने सामान लेके जाना हुआ, ठहरा है कुछ नहीं है क्या है को ना, मज़ा आ रहा। अभी धूप भी आ गई है ना तो ठंडा हो गया था थोड़ी देर पहले बहुत तगड़ा वाला, तो अभी सही हो गया भाई सीन, धूप भी आ गई है। आगे से ट्रक आ गया भाई तगड़ा वाला, ओ भाई ओ भाई। तो फाइनली गैस अभी पहुंच चुके हैं हम भाई, यहाँ पे बारिश नहीं लगी हुई। हाँ तो कैसे अभी हम जा रहे हैं भाई नीचे को। सो फाइनली कैसे अभी हम जा रहे हैं भाई घर के लिए, मैं और मम्मी, मम्मी पीछे पीछे आ रही है। तो कैसे यार ऐसा करते हैं भाई आपको मिलते हैं ना घर पे। एक्चुअली मैंने भाई खतरनाक वाली बारिश आने लग गई है, उससे पहले पहले मुझे घर जाना है, मम्मी तो व्लॉग बनाने नहीं देती। तो हाँ आपको मिलते हैं भाई घर पे। मम्मी देखो पीछे बैठी है, व्लॉग बनाने के लिए साफ मना कर दिया भाई। तो मालकिनी जी का मालकिनी उठाओ, मालकिनी जी चल मम्मी स्पीड तो नहीं चलो निशान चल पहले ही चला गया देखो, चल ठीक है। अरे वे तू घर में जा जा, ये देखो भाई पहले ही चली जा रहा है, ये पहले ही चली जा रहा है ये कहाँ जा रही। चल ठीक है भाई तू जा घर जा, ठीक है। हाँ ठीक है तू जा, ठीक है तू जा, ठीक है फिर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है रुचि, ठीक है बाय, ठीक है। हाँ ये देखो भाई, अरे ओए ओ हेलो ये रुचि कहाँ 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 जाना है, बाइक में जाना है। ओहो सुन तो, चल फिर चल 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 आजा फिर चल, अब इसको बाइक में बिठा के ही लाऊंगा भाई। चल फिर ये देख रहे भाई ये ना पीछे ही नहीं छोड़ रहा लिटरली ना, ये मेरे साथ ही आ रहा है। अब इसको ना मैं ऐसा करता हूँ बाइक में बिठाता हूँ, तो देखते हैं क्या ही सीन रहता है। बाकी ये ना पूछ पूछ लगा दे रहा है, घर में किसी के साथ रहते ही नहीं है भयंकर रुचि के तो ऐसी की तैसी यार अभी इसको भी बाइक में बिठाते हैं रुचि। ये देखो भाई मेरे साथ रोड में आ गई है भाई, ये रुचि कूद वूद मत मारना बस। गाइस ये अच्छे से बैठी हुई है, पर ये ना पीछे कुत्ता आया था तो उसको देख के इधर उधर घूम रही है। ये देखो भाई रुचि